हाय गाइस, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं कलर करेक्शन या कलर ग्रेडिंग। फाइनल कट प्रो में हम सीखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने वीडियोस में कलर ग्रेडिंग करें, कलर करेक्शन करके उनको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो इसी पे है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसी तरीके से हम हर हफ्ते आते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं बताऊंगा कैसे हम बेसिक कलर करेक्शन करते हैं फाइनल कट प्रो में। मैं फाइनल कट प्रो 10 यूज़ कर रहा हूं और इसमें कैसे हम बेसिक कलर करेक्शन करते हैं और कैसे हम अपने वीडियो फुटेज को और ज़्यादा अच्छा दिखा सकते हैं कलर ग्रेडिंग से। तो सबसे पहले मैं अपना एक वीडियो पोर्शन एक ले लेता हूँ। तो अभी मैं अपने एक वीडियो का एक क्लिप का एक पोर्शन लूँगा और इसको हम कलर ग्रेड करेंगे गाइस। तो इसको मैं टाइमलाइन पे ले आता हूँ और टाइमलाइन पे आप देखेंगे तो मेरा ये टाइमलाइन पे आ गया है यहाँ पे। तो बाकी की टाइमलाइन अभी आप भूल जाइए। सो ये मेरा टाइमलाइन पे यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको कलर ग्रेड करने के लिए इस तरीके से, अब ये नॉर्मल बिना कलर ग्रेडिंग के आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके का ये है। राइट, सो इस तरीके का है गाइस। तो अब इसको हम कलर ग्रेड हम करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप अपनी वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिए। क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ अपने इंस्पेक्टर एरिया में आएंगे। आप उसके बाद इसमें कलर में आइए। सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे, आप यहाँ पे एक्सपोजर में आइए और एक्सपोजर में आने के बाद आप एक कीबोर्ड शॉर्टकट बताता हूँ, कमांड 7, वो दबाइए। कमांड 7 से अभी क्या हुआ गाइस, हमारे पास ये ल्यूमा वेव फॉर्म आ गया है। आप देख सकते हैं इसमें ल्यूमा वेव फॉर्म हमारा ये बना हुआ आ गया है। तो अब हम इसमें बेसिक फिक्सेस करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो हम एक्सपोजर इसमें सेट करेंगे। एक्सपोजर में सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप शेडोज़ को यहाँ से थोड़ा सा नीचे लाएंगे और ग्राफ देखते रहिए बगल में, इसको नीचे लाएंगे। 0 के आसपास इसको आप लेके आ सकते हैं, 0 से ज़्यादा नीचे मत ले जाइए। और मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इसको बिल्कुल 0 की लाइन तक आसपास लेके आ सकते हैं। तो इसको हम ये ले आए और ऊपर वेव फॉर्म आप 100 से थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं आप हाइलाइट्स को। दूसरी चीज़ हम करेंगे, हम हाइलाइट्स को हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आप तब तक ऊपर ले जा सकते हैं जब तक ऊपर वो फ्लैट लाइन बनने लग गई है। अब फ्लैट लाइन बनने लग गई है तो हमारी डिटेल्स वहाँ पे लॉस्ट हो जाएंगी, खो जाएंगी। तो इसलिए आप उसको फ्लैट लाइन बनने से थोड़ा पहले तक आप उसको ले जा सकते हैं। तो मेरा लगभग इसको मैं यहाँ तक ले जा सकता हूँ। राइट, तो अभी आपको देखना आपकी फुटेज पहले कैसी थी और अभी कैसी दिखती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर ये एरो को क्लिक करके देख सकते हैं। सो अगर आपको देखना है कि अब आपकी ये पहले कैसी थी वीडियो और अभी कैसी है, तो अभी भी हम देखेंगे। तो थोड़ा यहाँ पे हम शेडोज़ को और नीचे लेके जा सकते हैं और इसको हम लगभग यहाँ पे ले आते हैं। तो अभी देखिए, अभी मैं देख सकता हूँ कि सिर्फ ये एक्सपोजर सेट करने से हमारा काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग इसमें वीडियो में आ गई है। नेक्स्ट अगर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट आप ये कर सकते हैं, आपको देखना अगर पहले आपका वीडियो कैसा था और अभी कैसा लग रहा है, उसके लिए आप यहाँ पर अपने टाइमलाइन वाले सेक्शन में जाइए और इसमें आप इसको हटा के देख सकते हैं क्लिक करके। तो आप अभी देख सकते हैं पहले कितना हेजी था और अभी इसमें काफ़ी डिटेलिंग आ गई है, कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा एक आ गया है, शार्पनेस थोड़ी आ गई है सिर्फ हमारा एक्सपोजर सेट करने से। नेक्स्ट थिंग इज़ गाइस, वाइट बैलेंस हम इसमें सेट कर सकते हैं। वाइट बैलेंस के लिए आप क्या करेंगे, आप कलर सेक्शन में चले जाइए और इसमें आपको कुछ टच नहीं करना है, बस अपने मास्टर को, अगर आपको इसको थोड़ा सा वार्म करना है या थोड़ा सा इसका वार्म्थ कम करनी है, उसके हिसाब से आप अपने मास्टर को यहाँ पे स्लाइड करके लेके जाएंगे ऑरेंज और येलो के आसपास लगभग 32, और ये अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। अभी आप कोई चेंज नहीं देखेंगे क्योंकि अगर आप देखेंगे 33 तक मैं इसको स्लाइड करके लेके आया हूँ, बट यहाँ पर अपना सिर्फ 1% चेंज है। तो इसको आप जितना ऊपर ले जाएंगे ये पॉजिटिव में बढ़ता रहेगा, उतनी वार्म्थ इसमें आती रहेगी। आप देखें तो ये वाइट बैलेंस है और बहुत ज़्यादा वार्म हो रही है इमेज हमारी, आप देखें। और वहीं अभी ये इसको अगर मैं रखूँ 32-33 में नीचे अगर मैं लेके आऊँगा तो ये थोड़ा इमेज कूल हो जाएगी। तो हमारा जो ऑरेंज और येलो वाला जो भी सेक्शन है इसमें से,
वो वीडियो में से डाउन हो जाएगा, उसका हम परसेंटेज कम कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको समझिए, हमारी वीडियो में से वो चीज़ चली जाएगी। तो लेट्स से कि हम इसको रखते हैं सिर्फ अभी के लिए, हम इसको रखते हैं थोड़ा सा, इसको हम वार्म कर सकते हैं जैसा मेरे को लग रहा है, और लगभग 5%। तो चेंज बहुत हल्का है, बट थोड़ा सा इससे ओवरऑल लुक आपका इसको मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग गाइज, तो हमने क्या किया, पहला कलर बोर्ड में अभी हम जाके देखते हैं, तो काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंज आपको अपनी वीडियो फुटेज में दिख रहा होगा। मेरे को दिख रहा है अपनी, देखिए वीडियो फुटेज में काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इसमें चेंज हो गया है सिर्फ एक कलर फिक्स करने से। नेक्स्ट थिंग इज़ आप यहाँ पे जाइए, अब हम इसमें, तो ये हमारा बेसिक कलर करेक्शन गाइज हो गया है यहाँ पे। अगर आपको थोड़ा सैचुरेशन इसमें कम ज़्यादा करना है तो आप उसके लिए एक कलर बोर्ड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अभी हमारा कलर बोर्ड नंबर 2 आ गया है, थोड़ा सैचुरेशन को कम ज़्यादा करके देख सकते हैं आपके वीडियो के हिसाब से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे सैचुरेशन का ये मास्टर स्लाइडर जो है, इसको सैचुरेशन को पूरा काफ़ी बढ़ा देता हूँ यहाँ पे लगभग 30-40 के आसपास, 45 तक मैं इसको ले आऊँगा। अभी आपको लग रहा होगा कि ओवरऑल वीडियो में सैचुरेशन बढ़ गया है, आप देख सकते हैं मेरे स्किन टोन में भी सैचुरेशन काफ़ी बढ़ा हुआ इसमें लग रहा है। तो उसको थोड़ा सा हम कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे मिड टोन्स में, आप देख सकते हैं मिड टोन्स ये है, तो इस कलर के सर्कल पे लाके मिड टोन्स को थोड़ा सा कम कर देंगे। देख सकते हैं 10-15 तक मैं इसको ले आऊँगा, तो मेरा कलर टोन भी यहाँ पे ठीक हो गया है। इस तरीके से ओवरऑल वीडियो का जो है एक्सपोजर भी ठीक हो गया है, प्लस कलर टोन भी ठीक हो गया है। कलर बोर्ड नंबर 1 में हमने एक्सपोजर ठीक किया था और वाइट बैलेंस ठीक किया था, कलर बोर्ड नंबर 2 में हमने एक्सपोजर ठीक किया है। सो गाइज, सिर्फ 2 फिक्सेस करने से, ये 2 मैजिक फिक्सेस हैं, अगर आपको ये आ गए तो आप किसी भी वीडियो को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, कलर उसका एटलीस्ट आप अच्छा कर सकते हैं जिससे कि वो शैबी ना दिखे, बुरी ना दिखे, और आपका वीडियो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इस तरीके से गाइज ये है, अभी मैं इन दोनों को हटा देता हूँ, वो 1 नंबर 2 को, तो ये हमारा वीडियो इस तरीके का कुछ था और अभी ये हो गया है बिल्कुल ज़बरदस्त। सो ये काम था हमारा ल्यूमा वेवफॉर्म का, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपको कैसे लेवल सेट करना है अपने एक्सपोजर का, जो कि हमने किया था कलर बोर्ड नंबर 1 में। और इसके बाद गाइज हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा सा और सिनेमैटिक इफ़ेक्ट हम देते हैं। ये तो सिर्फ बात थी 2 फिक्सेस की, तो ये ल्यूमा वेवफॉर्म वाला जो आपने ये ग्राफ है यहाँ पर, आप इसको हटा सकते हैं, हमने कमांड 7 दबाया था, फिर से कमांड 7 दबा दीजिए आप। तो ये अभी हमारा चला गया है, देख सकते हैं आप। अब गाइज इसको और सिनेमैटिक दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें फेक सिनेमैटिक बार्स डाल सकते हैं दोनों साइड में, क्रॉप बार्स ब्लैक कलर की, जिससे कि उसको और ज़्यादा हमारा जो वीडियो है वो फुटेज सिनेमैटिक लगती है। उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर्स में जाइए और आप इसमें क्लिक करेंगे, फिल्टर्स में ऑल वीडियो एंड ऑडियो में क्लिक करिए, तो आप यहाँ पे सीधे डायरेक्ट सर्च में आ सकते हैं। सर्च करिए लेटर बॉक्स, सो आप लेटर बॉक्स जैसे ही सर्च करेंगे तो लेटर बॉक्स फिल्टर आ जाता है। अब लेटर बॉक्स फिल्टर को आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वीडियो के ऊपर डाल देना है। सो वीडियो के ऊपर डालते ही अभी आप देखेंगे कि वीडियो में आपको कोई चेंज नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे अपने टाइमलाइन वाले सेक्शन में, इंस्पेक्टर में टाइमलाइन वाले सेक्शन में जाएंगे आप। अब यहाँ पे आपको लेटर बॉक्स दिखेगा, तो लेटर बॉक्स में आप ये बॉर्डर साइज जो है इसको बढ़ाएंगे, तो आपका फेक सिनेमैटिक बार्स जो हैं वो दोनों तरफ से आ जाएंगी। इस तरीके से आप इसको अपने हिसाब से अराउंड 9 या फुल भी कर सकते हैं, अराउंड 9, 8.5, 9 यूजुअली एक सही रेंज रहती है इसमें आपके वीडियो के हिसाब से। अगर आप इंट्रो बना रहे हैं वीडियो का तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी आप देखेंगे थोड़ा सा मेरा ऊपर से यहाँ पे सिर जो है वो क्रॉप हो जा रहा है, तो इसको आप ऑफसेट भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, तो थोड़ा सा इसको हम ऑफसेट करेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ आ गया है, और इसको उधर ले जाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ वीडियो शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैं ऑफसेट कर देता हूँ यहाँ पे, बट ओवरऑल आप देखेंगे तो काफ़ी ये सिनेमैटिक हो गया है और काफ़ी अभी हमारा इसका लुक एकदम ज़बरदस्त हो गया है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो।
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप एक एडवांस कलर ग्रेडिंग का सेशन चाहते हैं फाइनल कट प्रो में। अगर आप लोगों को चाहिए तो डेफिनेटली मैं अगला वीडियो उसी पर बनाऊंगा, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए ये वीडियो कैसा लगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने क्रिएटिव फ्रेंड्स के साथ। सो दैट्स इट गाइज, यू गाइज आर ऑसम, कीप क्रिएटिंग, थैंक यू सो मच।